Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब बढ़िया होंगे guys. मेरा और मैं पूरा दिन आपके साथ रहूँगा. दिन में क्या क्या करता हूँ, तो अभी कटिंग करने गया था, बाल कटिंग करने गया था, तो बाहर निकला तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हुए चलता हूँ. इतनी ज़्यादा गर्मी में गया, मेरा मोबाइल इतना हीट कर दिया कि कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने जेब में रख दिया था. तो बाल काटे एक घंटा अंदर आ रहा, थोड़ा मोबाइल मतलब थोड़ा कम टेम्परेचर कम हुआ, तब जाके मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ गाइस. और बिना चश्मे का आप बाहर नहीं निकल सकते, चश्मा पहनना बहुत जरूरी, क्योंकि इतना मैं तेज पड़ रहा हूँ आँखों में, मतलब आँखों में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, इसलिए चश्मा पहन के ही बाहर निकला कर भी आपको दिन में बाहर जाना पड़ेगा. बाहर तभी जाना जब बहुत आपका ज़रूरी काम हो, सुबह शाम काम कर लेना, बट दिन में मत जाना बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है. 44 डिग्री पहुँचा हो गया, 44-45 डिग्री आप मान सकते हो कितना होता है 44-45, इतना धूप है. और कुवैत में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल. तो बाकी आप इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए और बने रहें वीडियो में. वीडियो में अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें. तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और चलिए दिखाते हैं आपको, आज पूरा दिन आपके साथ हैं और क्या क्या करते हैं, कैसा ऑफ डे रहता है मेरा इधर, तो आपको वही दिखाऊंगा इस वीडियो में. तो वीडियो में बने रहें गाइज और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए. और अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में करके बताना कैसी लगी आपको मैं बाल रखने की स्टाइल. तो बाकी चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है. और मैं मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा कितना डिग्री अभी टेम्परेचर पहुंच रहा है इधर, तो बहुत हाई है जो. और लेकिन हाँ, अकोमोडेशन में जहाँ हम रहते हैं मतलब रूम पे कोई गर्मी नहीं है, 24 आवर एसी चलता है, तो इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है. गाइस आप लोग देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, देखो 44 डिग्री पहुँचा हुआ टेम्परेचर. ये तो थोड़ा कम हो रखा है, नहीं तो 3-4 टेम्परेचर कम हो रखा है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा होता है गाइस इधर. गाइस इतनी गर्मी, आप भी दंग रह जाएंगे इतनी गर्मी आ गए. तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, अभी रूम पे पहुँच आई हूँ. ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, अपना घर समझ सकते हैं यहाँ पे. तो बाल काट के आगे मैं, मेरा हमेशा लुक यही रहता है, आपको मेरी हर वीडियो में दिखाई देता होगा, क्योंकि मैं इससे बड़े बाल नहीं रखता, उनको बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है थोड़े से भी बड़े होने में. वो मजबूरी है, यहाँ महीने महीने में एक बार कटा दें, क्योंकि 1 KD चार्ज करता है, इंडिया का 250 रुपया होता है एक बार कटिंग करने में. इंडिया में तो 50-60 रुपये मतलब, यहाँ पे 250 रुपये चाहिए, मतलब 270 का रेट चल रहा है अभी, मतलब रैंडमली 250 बोल रहा हूँ, 270 रेट है, तो 270 रुपये चाहिए वन टाइम बाल काटने के लिए. अगर आप महीने में 2 बार कटाते हैं तो कितना हो गया, 270 500 से ऊपर जा रहा है, तो कौन इतना महंगा में कटाए. तो इसलिए मैं महीने में एक बार कटाता हूँ बस, 0 मशीन लगाता हूँ साइडों में, ऊपर मैं छोटा कर देता हूँ, बस एक महीने में ठीक काटने लायक हो जाती है, तो मैं कटिंग करने स्टार्ट मतलब चला जाता हूँ. तो गाइस ये है अपना रूम, कुछ इस तरह का है. ये देखो, ये ऊपर एक बंदा रहता है तो नीचे एक रहता है, यहाँ पे मैं सोता हूँ. तो ये पर्दा मैंने लगा रखा है, क्योंकि कोई भी अंदर आए तो लाइट जलाते हैं, कुछ करता है, तो अपना डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये पर्दा वर्दा इसलिए लगाते हैं हम. तो गाइस पहले मैं नहाता हूँ और चावल रख दिए मैंने, तो नहा के फिर बात करता हूँ आप लोगों से. गाइस मेरा हो गया चावल तैयार, थोड़ा चावल ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, शाम को फिर खा लूँगा या कोई और भाई खा लेगा. बाकी ये दाल मेरी है, कल की बनाई थी मैंने दिन में, तो 2 बज गया था, तो मैं अभी गर्म कर दे रहा हूँ. तो खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. गए जी अपनी दाल या थाली में, देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है. तो ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लैक लोबिया है गाँव की, वो दाल और मिक्स है, ब्लैक लोबिया जो बोलते हैं गांव में, यहाँ होते हैं ना वाइट कलर लोबिया, उस टाइप की होती है गांव में, हम इसको भट बोलते हैं. गए दिन में सो गया था मैं, लंच किया मैंने, उसके बाद अभी उठा शाम को. तो शाम को उठा थोड़ा देर घर पे बात की, थोड़ा मोबाइल चलाया, तो दिन उसके सब्जी वब्जी काटी मैंने. तो शाम का मेरा बन रहा, दिखाता हूँ आपको क्या बना रहा हूँ शाम के डिनर के लिए. भिंडी बना रहा हूँ, तो भिंडी प्याज और
हरी मिर्च काटे, टमाटर लिए, ये मेरे मसाले रहे, और रोटी बनाऊँ, चपाती बनाऊँ, उसके बाद चार चपाती पूरी चावल बचे, बाकी भिंडी सब्जी, बस ये रहता है दिन का प्रोग्राम। गाइस आप भी घर में ट्राई कीजिए, भिंडी बनाइए और बताइए कैसे बनाई आपने, और कमेंट में बताना कैसी लगी आपको, कैसी लगती है भिंडी। मेरी फेवरेट है भिंडी और छाछ और चपाती, ये मेरी फेवरेट है गाइस। तो चलिए दिखाता हूँ आपको बनने के बाद कैसी बनी हमारी भिंडी। दोस्तों भिंडी होने वाली है तैयार, उसको उस पर भी थोड़ा बहुत और रह गया, कुछ इस तरह का हो रहा है, देखो आधा हो गया, आधा और बाकी। गाइस भिंडी हो चुकी है मेरी रेडी, पकने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, अभी खाएंगे। और आटा मैंने लगा दिया, ये देखो आटा भी लग चुका है मेरा, चार उड़ी डालते हैं फिर खाते हैं आप लोगों के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस ये रोटी बन गई मेरी, तैयार है रोटी, बस इसको बिल्कुल घर की तरह फुल के बना रहा हूँ मैं। ये देखिए मैं इसमें अभी लगाऊँगा घी, देसी घी लगाऊँगा जो मैं घर से लाया हूँ, मेरी सासू माँ ने मेरे को दिया घी, वो लगाऊँगा रोटी पे मैं। तो गैस ये हो गया मेरा डिनर रेडी, ये देखो छाछ, यहाँ पे लावान बोलते हैं इसको, नीचे बकाला में मिल जाता है, वहाँ से लेके आया। ये रोटी है देखो, बिल्कुल घी से लथपथ, और ये भिंडी की सब्जी, ये है मेरा डिनर। तो गैस आपको टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसी बनी है सब्जी। चाय थोड़ी चटपटी बनी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त, तो चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो आज का दिन कैसा ही रहा, मेरी दो तीन दिन की छुट्टी पड़ी थी, तो कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, ये शूट हो रहा आज फ्राइडे को, सैटरडे को मैं पब्लिश कर देगा इसको। तो गाइस वीडियो को अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।